महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव के नतीजे ये बता गए कि विपक्ष की भूमिका के रूप में बीजेपी ताकतवर है। उनके नतीजों ने यह भी साबित कर दिया कि शिवसेना के पास विश्वासशील मतों की कमी नजर आई, उसी के चलते शिवसेना के एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरा राज्यसभा के पटल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। एक जो प्रवक्ता के रूप में लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं संजय राउत, तो दूसरे संजय पवार को धनंजय मांडिक ने हार देकर ये साबित कर दिया कि शिवसेना की आंतरिक विश्वसनीयता कितनी कमजोर है। इसी के चलते महाराष्ट्र की अगर हम ठीक से बात करें तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल 38 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा बीजेपी के एक और उम्मीदवार अनिल बोंडे ने 48 वोट के साथ जीत दर्ज की। इसी के साथ भाजपा के धनंजय मांडिक जिस सीट पर सबसे अधिक पेच फंसा हुआ था वो यही सीट थी जिसमें धनंजय मांडिक और संजय पवार आमने सामने थे, लेकिन इस बीच में धनंजय मांडिक को 41.58 वोट मिले जिससे उन्होंने जीत दर्ज कर ली। वहीं दूसरी ओर इमरान प्रताप गढ़ी को जीत हासिल हुई, वहीं एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले। वहीं शिवसेना की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार संजय राउत ने भी 41 वोटों के साथ जीत दर्ज की। शिवसेना के संजय पवार को 39.25 वोट मिले, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए इमरान प्रताप गढ़ी को 44 वोट हासिल कर जीत गए। इस पूरे माहौल के बीच में विपक्षीय भूमिका मजबूत नजर आई। बीजेपी का डंका महाराष्ट्र की लंका में फिर से बसता हुआ नजर आया। इस पूरे माहौल से कहीं ना कहीं बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया है। शिवसेना ये जान गई है कि उनकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कुछ विधायकों के साथ नहीं बन पाई, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 वोट जो हितेंद्र ठाकुर के दल के तरफ से थे उसमें भी अब संशय मंडरा रहा है कि वो 3 वोट महाविकास अघाड़ी की तरफ गए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि इस पूरे नतीजे के बीच में कुल मिलाकर बीजेपी ने बाजी मारी और चुनावी नतीजों के साथ में खुद को बलशाली पेश करने में कामयाब हो गई। अब देखना यह होगा कि इस पूरे माहौल के बाद आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेती है। एंटी करप्शन न्यूज़, महाराष्ट्र।